साथियों नमस्कार। साथियों सस्ती खेती की कड़ी में आज का वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं और आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर होगा कि हम खेती को सस्ता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसान साथी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हम एक साल में गन्ने की खेती में कब तक खाद लगाएं, क्योंकि इसका कोई पैमाना या मेज़रमेंट तो होता नहीं है कि हमें खाद तब तक लगाने हैं और उसके बाद में गन्ने में खाद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम गन्ने की खेती को सस्ता भी कर सकें और अपने गन्ने की पैदावार भी बढ़ा सकें, जिससे कि पैदावार भी प्रभावित ना हो और हमारी जेब पर भी खर्चे कम हो जाएं। साथियों इसके लिए बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काम करना है और मैं 2-2.5 सालों से आप सभी को बताते आ रहा हूँ। एक ड्रम ले लो, ड्रम में एक टोटी लगवा लो। ड्रम 20 लीटर का हो, 50 का हो, 100, 200, 500 लीटर का ड्रम हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे मेरे किसान साथियों ने इन चीज़ों को यूज़ किया है, सच में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लागत बचाई है और उन्होंने रिजल्ट भी अच्छे पाए हैं। कुछ किसान साथियों ने तो अपने जो ट्यूबवेल की कुंडी होती है उसके पास में कुंडी बनवा के उसमें टोटी ली है, ड्रम से इस चीज़ को कर रहे हैं। और बहुत साल के किसान भाइयों ने जिन्होंने गन्ने में इन चीज़ों को यूज़ किया उन्होंने उत्पादन बड़े अच्छे लिए हैं। मेरे पास बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन आए हैं जिन्होंने बताया है कि इस टाइप से गन्ना हमारा बहुत अच्छा हुआ है। मैं आपको बता दूं साथियों, कुछ नहीं है, आप बेकार में एक एक बैग यूरिया पटक रहे हो गन्ने में। आप एक बैग यूरिया को 6 किलोग्राम के हिसाब से 6 हिस्सों में बांट लो, ठीक है। 6 हिस्से में बांट लो यूरिया को, और DAP डायमोनियम फॉस्फेट का एक बैग लाकर रख लो और उसे 4 किलोग्राम एक बार के हिसाब से उसे भी आप बांट के रख लो। आप उसे पटक दोगे ना एक बार में, अब मत पटको और उसे सिर्फ हिस्सों में बांट के रख लो, ठीक है। आप अपने ड्रम के अंदर एक बार में 6 किलोग्राम यूरिया और 4 किलोग्राम DAP का घोल बना लो, उसमें ह्यूमिक एसिड मिक्स कर लो 500 ग्राम, और पहली बार में आप पानी के साथ में ये चला के देखो और रिजल्ट बताना कि 8 दिन बाद आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सरसों की खली 3 किलोग्राम, मात्र 3 किलोग्राम एक एकड़ ज़मीन के लिए आप इसी के साथ में घोल बना लेना। कुछ साथी कहना चाहेंगे कि वो घुलता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि वो ज़बरदस्त तरीके से घुलेगा। आपको पानी जैसे सपोज करो 2 दिन बाद लगाना है तो आज उसे फुला दो, खल, DAP, यूरिया और ह्यूमिक एसिड, ये कॉम्बिनेशन बना के आप पानी के साथ एक बार चला के देखो। फुटाव तो आएगा ही आएगा, पौधे में हरापन, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और पौधे की जो ग्रोथ होगी ना वो गजब की देखने को मिलेगी। दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पर, कुछ किसान साथी कहना चाहेंगे चलो ठीक है पहले पानी पर हमने ये चला दिया, दूसरे पानी पर क्या करना है। दूसरे पानी पर मैं आपको बता दूँ कि DAP आपने पहली बार चलाया, पहले पानी पर पौधे की जड़ें थोड़ी सही हुई, ठीक है, सही होने से मतलब स्वस्थ हो गई। अब दूसरे पानी पर भी सेम डोज चलाओ। क्यों चलानी है? क्योंकि खेत में नमी बनने से जो जड़ें ठीक हुई हैं उन जड़ों का विकास होना है और जड़ों का विकास करने में DAP अहम योगदान निभाता है। ह्यूमिक एसिड इसमें क्यों डालना होता है? क्योंकि ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे की जड़ों के आसपास पड़े हुए न्यूट्रल पोषक तत्वों को पौधे तक पहुँचाने का काम करता है और बड़े आसानी से उन्हें पौधे को एब्जॉर्ब करने की क्षमता प्रदान कर देता है। साथियों ह्यूमिक एसिड से पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधों को भोजन बनाने की क्षमता प्रदान होती है, इससे पौधे का सामूहिक विकास बहुत तेजी से होता है, वनस्पतिक विकास में बड़ा मददगार होता है ह्यूमिक एसिड। और यहाँ पर सरसों की खली क्या काम करती है? सरसों की खली हमारे खेत में बने हुए जो केंचुए होते हैं या दूसरे ऐसे कीट होते हैं जो हमारी फसलों के लिए सही होते हैं, उन कीटों की मात्रा बढ़ाने का काम यहाँ पर सरसों की खली करती है। और साथियों सबसे बड़ी बात क्या है कि मिट्टी के अंदर मल्टीप्लायर का काम सरसों की खली करती रहती है। सरसों की खली जिन पार्टिकल के संपर्क में आती है मिट्टी के उन्हीं पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई करती रहती है, यानी सरसों की खली धीरे धीरे खेत में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती रहती है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पर यूरिया खाद। यूरिया खाद हमारे पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखता है। अब मानो हमने बुरकाव के माध्यम से यूरिया खाद दिया अपने पौधे को, तो यूरिया खाद जितना पौधे ने लेना है वो एक बार में एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन लंबे समय तक यूरिया खाद पौधे को नहीं मिल पाता। जब हम पानी की मदद से यूरिया खाद लगाते हैं तो एक बार में पानी के साथ में यूरिया खाद चला जाता है,
फिर अगले पानी के साथ भी यूरिया खाद जब पौधे को मिलता है तो उससे पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मिलती रहती है। और दूसरा, यहाँ पर जब हम DAP को दूसरी बार में यूज़ करते हैं तो पौधे की जड़ें ठीक हो चुकी होती हैं और वो तेज़ी से एक गुबार के रूप में आगे बढ़ती हैं। और पौधे की जड़ें आगे बढ़ने से या मजबूती प्रदान होने से हमारा गन्ना एक तो स्वस्थ रहता है, गन्ने का तना मजबूत रहता है, और तीसरा, गन्ने में फुटाव ज़्यादा निकलता है। तो हमें पहले 2 से 3 पानी पर DAP की मात्रा सामान्य रूप से पानी के साथ में चलाते रहना चाहिए। तो पहले, दूसरे और तीसरे पानी पर यूरिया खाद, DAP प्लस ह्यूमिक एसिड और उसके साथ में सरसों की खली, पहले 3 पानी पर हम ये चला दें, ठीक है। और तीसरे पानी में अगर हमें लग रहा है कि हमारा खेत ठीक चल रहा है, स्वस्थ हो रहा है, या हमें आशंका है कि हमारे खेत में कोई कीट आ सकता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर नीला थोता 600 ग्राम के हिसाब से मिक्स करना होगा। इसमें से हम DAP को हटा देंगे। यूरिया खाद के साथ नीला थोता डालना है हमें 600 ग्राम मात्र, और उसके साथ में हमें ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम मिक्स कर लें, और इन तीनों खादों को एक बार में हम चला सकते हैं। सरसों की खली नीला थोता के साथ में मिला के आप चला सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो पहले 3 पानी यानी 1.5 महीने का जो समय है, उन 1.5 महीने पर, क्योंकि आप 15 दिन के अंतराल पर ही पानी लगभग लगा पाते हो, तो 1.5 महीने के बीच में हमने 3 पानी चलाए, उससे हमारे पौधे जड़ें हो गई, पौधे में अब ज़्यादा आ गया, पौधा स्वस्थ है। अब ऊपर हमें क्या करना होगा? तो देखिए, यहाँ पर हमें अपनी लागत बचाने के लिए नीला थोता एक बार अगर हमने चला दिया रोग आने से पहले, तो आप यकीन मानिए नीला थोता रोग आने से पहले रोग को आने नहीं देता, ठीक है। और अगर रोग आ चुका है, आपके खेत में रोग लगा हुआ है, तो भी मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप आज अगर वीडियो देख रहे हो तो गन्ने में अगर आपके सुंडी लगी हुई है, ठीक है, और अभी आप कोराजन जैसी दवा करने में सक्षम नहीं है, तो आप यहाँ नीला थोता 2 किलोग्राम बाजार से ले आइए और उसे या तो पानी के साथ 600 ग्राम से लेकर आप 1 किलोग्राम तक घोल बनाकर पानी के साथ चला दीजिए, या 2 किलोग्राम नीला थोता को यूरिया खाद के साथ मिला के भुरकाव कर दीजिए और पानी लगा दीजिए। ये सुंडी को तुरंत ख़त्म कर देगा। 15 दिन के लिए आपके पौधे में महसूस ही नहीं होगा कि आपके पौधे की गोव की पत्तियां कहीं सुंडी ने खाई हैं। गोव की पत्तियां जैसी थी वैसी ही ऊपर चल देंगी, हालांकि 15 दिन के बाद आपको अच्छे कीटनाशक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 पानी में जब नीला थोता लगा देते हैं तो उसके बाद हमें 1 कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हम या तो नीला थोता को आगे रेगुलर कर लें। नीला थोता रेगुलर कैसे होगा? जब हम चौथा पानी लगाने जाते हैं तो चौथे पानी के साथ में हमें यूरिया खाद के साथ मिक्स करना होता है चूने का पानी। चूने का पानी क्यों लेना होता है? देखिए, चूने का पानी हमारे पौधे के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मानो हमारे गन्ने का जो तना है उसको हमें मोटा करना है, तो उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। गन्ने के तने में बनने वाला जो छिलका होता है उसको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, उसको फेरस सल्फेट की, लोह पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसे गांठ बनाना होता है गन्ने के अंदर। गन्ना कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसमें हमें सिर्फ पत्तियों का विकास करना है, गन्ना एक ऐसा पौधा है जिसमें हमें छिलके का भी विकास करना है, और छिलके का विकास होने के लिए हमें लोह पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, यहाँ पर हमें DAP डायमोनियम फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हड्डियों का विकास करने के लिए कैल्शियम चाहिए। तो वैसे ही गन्ने के छिलके को मजबूत करने के लिए और गन्ने की गांठें बढ़ाने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, ठीक है। तो चूने का पानी हमें कितना लेना है? 3 किलोग्राम चूना लें, उसे लगभग 15 से 20 लीटर पानी के साथ में भिगा दें, और जो पानी ऊपर आए उस पानी के साथ में आप यूरिया खाद मिक्स करें। यूरिया खाद कितना? मात्र 6 किलोग्राम। और पानी कितना? पानी कितना भी ले सकते हो, मात्र 3 किलोग्राम कैल्शियम या चूना यहाँ पर डालना होगा आपको, ठीक है। उसे एक रात फुलाएं, फुलाने के बाद में उसे आप पानी के साथ में चला सकते हैं। सरसों की खली आप यहाँ पर 3 किलोग्राम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो आप 1, 2, 3 पानी पर कैल्शियम यानी चूने का पानी आराम से चला सकते हैं। अब अगला एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है हमारा कि हम चूने के पानी के साथ में क्या क्या चला सकते हैं। देखिए, फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस आप 3 किलोग्राम इसी पानी के साथ में मिक्स करके चला सकते हैं, ठीक है। नीला थोता 600 ग्राम आप घोल बना के इसी के साथ में चला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है म्यूरेट ऑफ पोटास की। पोटास हमें क्यों लगाना होता है? पोटास हमारे पौधे में कई सारी चीज़ें प्रदान करता है। पोटास हमारे पौधे में भराव यानी वजन बढ़ाने का काम करता है। पोटास हमारे पौधे में
अब जो मौसमी बदलाव होते हैं उन्हें सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। तो हम यहाँ पर एक एनपीके बना सकते हैं अपना। एनपीके कैसे बनाना है, 6 किलोग्राम यूरिया लीजिए, उसके साथ 4 किलोग्राम डीएपी लीजिए और लगभग 2.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास को मिक्स कर लीजिए और घोल बना लीजिए। इस घोल बने हुए पानी को आप गन्ने को दे सकते हैं। साथियों, जब आती है बरसात, बरसात के मौसम में हम पानी नहीं लगा पाते और गन्ने में पानी भरा रहने के कारण या ऊपर से पानी के बरसात होने के कारण हमारा गन्ना ज़्यादातर गीला रहता है और गीले गन्ने में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है उकठा जैसी समस्याओं की। लाल सड़न रोग और पोका बोइंग रोग इस समय के सबसे खतरनाक रोग होते हैं। अब पोका बोइंग रोग को बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही हमारा जुलाई का महीना आता है उससे पहले जब हम पानी लगा रहे होते हैं तो इसमें हमें चूना तो लेना ही लेना है, उसके साथ में हमें यहाँ पर कॉपर कितना मिक्स करना है, लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यूरिया कितना लेना है, मात्र 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और कॉपर को और इसके साथ में यूरिया खाद को और चूने को, तीनों को आप मिला के चलाओ। इससे क्या फ़ायदा होगा, पौधे की जड़ों में लगने वाली जो दीमक होती है ना, क्योंकि बरसात के मौसम में दीमक सबसे ज़्यादा परेशान करती है, अब दीमक आपके गन्ने को नहीं छुएगी। कॉपर जो होगा वो आपके गन्ने में फंगस नहीं आने देगा बरसात के मौसम में, इससे पोका बोइंग रोग भी आपके गन्ने में नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत गजब के काम करता है। लाल सड़न रोग जैसी बीमारियां आपके गन्ने में आएंगी ही नहीं अगर आप इस टाइप से ट्रीटमेंट करेंगे। और यूरिया खाद आपके गन्ने को बड़बार रेगुलर देता रहेगा, क्योंकि बरसात के मौसम में आप खाद लगा नहीं पाते और उस समय पर जब पानी गोभ में पड़ रहा होता है उस समय अगर नाइट्रोजन मिल जाए पौधे को जड़ के माध्यम से, तो गन्ने का विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो साथियों, इस टाइप से आप ट्रीटमेंट करें। अगला सवाल है यहां पर कि हम अगर गन्ने में बरसात के मौसम में पानी भर जाए और उस समय पर पानी के माध्यम से ना लगा पाएं तो कैसे लगाना चाहिए। देखिए, आप उस समय पर एक भुरकाव कर सकते हैं, गन्ने की बधाई हो जाती है, और बधाई होने के बाद में अगर ट्यूबवेल का पानी आप नहीं चला पा रहे हैं, गन्ने के खेत में आपके पानी भरा हुआ है, तो आप यहां पर 12 किलोग्राम चूना लें, उसके साथ में आप लगभग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम मिक्स करें, एक बैग यूरिया लें और इसमें आप नीला तोता भी मिक्स कर सकते हैं, कितनी मात्रा में, 1.5 से 2 किलोग्राम, और इन सभी को मिक्स करने के बाद में आप अपने खेत में बुरकाव करें। इससे क्या लाभ देखने को मिलेगा, जब पानी भर रहा होता है तो पानी भरे हुए पानी में नाइट्रोजन की मात्रा नीचे पौधे की जड़ों में कम होने लगती है, और जितना खुली जड़ें श्वास ले पाती हैं उतना हमारे ऊपर से पौधे को श्वास नहीं मिल पाती, क्योंकि गन्ने की जड़ों पर पानी भरा होता है, तो कम नाइट्रोजन मिलने की वजह से गन्ने में कमज़ोरी आ जाती है, और वो कमज़ोरी जब फंगस उसे अट्रैक्ट करती है तो उस कमज़ोरी में फंगस बहुत तेज़ी से पौधे को घेर लेती है। इस अवस्था में दिक्कत क्या आती है, इस अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे गन्ने में उकठा जैसे रोग लग जाते हैं और लाल सड़न रोग तेज़ी से आता है, ये फंगस के कारण बनता है। ठीक है, तो इसको बचाव करने के लिए हमें इस टाइप से बुरकाव करना चाहिए, जब पानी भर रहा हो खेत में लंबे समय तक भरा रहे तो एक बैग यूरिया के साथ में आप लगभग 12 किलोग्राम चूना लें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम मिक्स करके, और उसके साथ में नीला तोता आप मिक्स कर सकते हो यहाँ पर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ह्यूमिक एसिड अगर मुमकिन हो सके तो 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड भी इसके साथ में मिक्स करके बुरकाव कर दें। इससे आपको क्या लाभ देखने को मिलेगा साथियों, इससे आपको लाभ ये देखने को मिलेगा कि पौधे में जैसे ही पानी भरा रहता है तो फंगस को हटाने के लिए यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत तेज़ी से काम करता है, दूसरा पौधे की जड़ों को मजबूती प्रदान करने में ह्यूमिक सक्षम रहता है, और तीसरा पॉइंट कैल्शियम, यहाँ पर जब हम चूने का बुरकाव करते हैं तो दीमक जैसे सिम्टम्स होते हैं उन्हें ख़त्म करने का और लाल सड़न रोग में बनने वाले उकठा को हटाने का काम यहाँ पर चूना करता है, और यूरिया खाद अपने पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति करने में बहुत सक्षम होता है। आप इस तरीके से अगर बुरकाव करते हैं तो आपके भरे हुए पानी के खेत में भी कभी भी लाल सड़न रोग जैसे या उकठा जैसे सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे, आपके पौधे जितने हैं वो उतने स्वस्थ रहेंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और ड्रम वाली तकनीक का उपयोग करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपकी खेती वाकई में ही बहुत कम खर्चे में हो पाएगी और अच्छी खेती हो पाएगी। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।